हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से डेरिवेशन लाया हूँ। उसका किसका सा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, तो वो होता क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करते कैसे, अगर आप एक बार करना सीख लो तो आप इसे घुमा फिरा के कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, अब लेते हैं। लेट कॉस इन्वर्स एक्स इजिकल टू ए, कॉस इन्वर्स वाई इजिकल टू बी। ठीक है, अब कॉस इन्वर्स जी कॉस है कॉस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। अब इसमें जो साइन और ये है इसे मैं कॉस के टर्म में ही कर रहा हूँ, तो कॉस ए कॉस बी तो हो गया अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो वो साइन स्क्वायर ए ही होता है, फिर अंडर रूट से साइन ए हो जाएगा इस। ठीक है, तो यही स्टेप होता है, फॉर आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू वन, और अंडर रूट के बारे में भी आपको पता ही होगा। चलो फिर आगे चलते हैं, उसके बाद आता है कॉस ए प्लस बी इजिकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस अंडर रूट जो कॉस स्क्वायर ए था, जो कॉस ए था मैंने एक्स इजिकल टू कॉस ए होता है, तो माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया, कॉस ए की वैल्यू डाल दो वाई इंटू एक्स। ठीक है, और इस तरफ ले आओ तो कॉस इनवर्स वाई इंटू एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब ए की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसकी डेरिवेशन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारी मोर और सारी वीडियोस देख सकें। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।